एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुच्ची शख्सियत दे मालिक सरदारनी महिंदर कौर जी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चदे होए परमात्मा दे चरणा विच जा विराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच सरदार अवतार सिंह, संपूर्ण सिंह, कुलदीप सिंह, मनजीत सिंह, सुखवंत कौर, जसवंत कौर, बलविंदर कौर, गुरदीप कौर, अमरजीत कौर, हरमीत कौर, गुरजीत कौर, जसवंत सिंह, सुखवंत सिंह, सुखविंदर सिंह यूएसए, दीपिंदर सिंह, हरप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह, सुखजिंदर सिंह, हरपिंदर सिंह, वरिंदर सिंह, नरपिंदर सिंह, सतिंदर कौर, सरबजीत कौर, हरविंदर सिंह, अकविंदर कौर अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा साहिब पिंड जुलमगढ़ लुधियाना विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। सरदारनी महिंदर कौर हुणा दा जन्म पिता सरदार दलीप सिंह हुणा दे घर माता करतार कौर हुणा दी कुखों पाकिस्तान विखे लगभग 100 वरे पहला होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगड़ अते सियाणे सन। आप जी दा व्याह सरदार प्यारा सिंह हुणा नाल होया। व्याह उपरंत आप जी ने अपने गुणा दी महक अपने सौरे घर बिखेरनी शुरू कर दिती। आप जी हमेशा ही अपने पति दे कंधे नाल कंधा मिला के चले। आप जी दे घर पुत्रां सदर अवतार सिंह, संपूर्ण सिंह, कुलदीप सिंह, मनजीत सिंह अते बेटियां सुखवंत कौर, जसवंत कौर अते बलविंदर कौर ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं चंगे संस्कार दिते अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी दे बच्चे आपो अपने खेतरां विच अपने कम्मां नूं उच्चियां चुक रहे हन अते अपनी माता जी दे नाम नूं चार चन्न लगा रहे हन। आप जी दे बेटे सरदार संपूर्ण सिंह जी पिंड जुलमगढ़ दे सरपंच हन अते पिंड दे विकास लई हमेशा ही अगां वधू भूमिका निभाउंदे हन। माता जी बहुत ही मिठी बाणी दे मालिक सन अते अपनी मिठी बाणी नाल हर एक नूं अपनी तरफ मोह लैंदे सन। आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद लई तत्पर रहंदे सन। सरदारनी महिंदर कौर हुणा दी फुलवाड़ी इस समय पड़ पोतरियां पड़ पोतरियां पड़ दोतियां अते पड़ दोतियां नाल महक रही है। आप जी दे श्रद्धांजलि समागम दे मौके ते वड्डी गिनती वी संगतां तों इलावा कई समाजिक राजनीतिक अते धार्मिक जथेबंदियां दे आगुआं ने शिरकत कीती अते परिवार नाल दुख सांझा कीता। ਆਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੇਠ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਝੁਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਮੋਹਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਦਮੜੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਝੁਕਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਝੰਡਾ ਝੁਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਝੰਡੇ ਝੁਕਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਅਨੰਤ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਵਾਜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀ ਮੋਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਿਨ ਪਾਪਾਂ ਕਰਿਆ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਦੇ ਐਸਾ ਪਾਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਸ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਚਵਾਰਾ ਸੀ ਉਸਦਾ 7 ਝੰਡੇ ਚੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਲਗਾਏ ਸੱਚ ਤੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ
उसके मन के अंदर भी आया भी चलो बई बड़ी महिमा सुनी है सतगुरां दी, मैं भी जाके नमस्कार करिया हां। नमस्कार करन गया है अते जो ही मथा टेक के उपर उठा सतगुरां नूं आखदा दाता जी मैनू भी कोई सेवा बख्श दे, ऐवें सहज सुभाई कह दिता। सतगुरां ने एक सूई खीसे नूं बड़ी पकड़ा दिती, लै भाई भाई तैनूं सेवा बख्श दिती, ऐ सानूं दरगाह दे अंदर दे दी। बड़ा सुचजा अते क्रांतिकारी ढंग सी मेरे प्रीतम दा तत्तर साहिब श्री गुरु नानक देव पातशाह आप नारायण कला धार जग मैं परवरे हो, आप नारायण सन। ऐसा ज्ञान देने का तरीका एक सूई उसनू दे दिती, कहिंदे सानू दरगाह विच दे दी। उसने सिर में माया अते सूई रख ली, ज्ञानवान ते है नहीं सी, चलिया गया घर जाके सिठाणी नूं आखदा है कि मैनू सेवा मिली है सतगुरां ने सेवा बख्शी है। कहिंदे वे की सेवा है, कहिंदा सूई मैं उन्होंने दरगाह दे अंदर जाके सौंपनी, होने मथे ते हाथ मारिया भलिया ऐ तेरा शरीर भी नाल नहीं जाना, तू सूई किस तरह लैके जाएगा। जो इस गल की सोझी पई हुई फिर दौड़िया जाके सतगुरां दे चरणां विच नमस्कार की आखदा दाता जी ये सेवा मेरे तो नहीं होनी। सतगुरु कहते भाई क्यों नहीं होनी, कहता जी मैं सूई किस तरह लै जाऊंगा, यह शरीर तो इत ही रह जाना सड़ जाना। सतगुरु कहते सत झंडे चो आए थे ये नाल लै जाएगा। फिर ज्ञान नमस्कार की चरणों के उत्ते टैप गया, अखा चो चल आ गया, कहता किसी ने गल आखी होनी अज तक, इन्नी सोझी किसी ने दी होनी दाता कि लै जाएगा, कि लै जाएगा भाई नहीं ले जा सकता। फिर ज्ञान होया सतगुरां ने कुछ समा होर संगत की अते उस इलाके उन्होंने प्रचारक थापिया। सतगुरु उस बंदे नूं चूज करदे सी प्रचारक बनाउण लई, जिस तरह भाई कोंडे नूं कदे जाओगे आप जी अंदर गुरद्वारा श्री गुरु अमरकंटक साहिब है, अमरकंटक छत्तीसगढ़ के पहाड़ियों के विध्याचल दियां पहाड़ियों के विच उत्थे भाई कोंडे नूं जिस नूं कोंडा राक्षस मुनियां कहिंदे सी मनुख का मास तक भी खा जांदा सी, उहदा उधार करके उन्होंने भी कन्वर्ट किया, उन्होंने एक चंगे प्रचारक थापिया और वह भाई कोंडे ने इन्नी सिखी फैलाई अज उ नगर के नगर गुरसिखा ने बड़ा सतगुरां ने बड़ी मेहर की, जिसते जिस तो दुनिया दूर भाई भी सी सतगुरां ने उसते मेहर की। खैर मैं इधर ना जावा, सतगुरु कहते भाई मुनी चंद तू ये सत झंडे जो चलाए ने यह माया कितने लै जाएगा, कहना भी फिर की करा करता, कहते बरता दे जिन्हों की इकट्ठी की है लोड़वंदा बरता दे, जो तेन लोड़वंद लगता उसकी बह फा, क्योंकि गुरु का सिद्धांत यही है खालसा कौम ने बह फड़ी है जो लोड़ पी है। बड़ा यह अज तक का इतिहास है, अज भी दिन तक का, अज भी गुरु के प्यारे ने जगह जगह लंगर लाए ने, साढ़े किसान भीर ने अंदोलन किया है, आप सारे ने अरदास करके जानी है सतगुरां के चरणों के कि इस अंदोलन की चढ़ती कला करनी दाता जी। साढ़े बड़े किसान भीर अपने हकों लिए अंदोलन करते हैं सरकार के अगे, उस अंदोलन के जिन्ना लंगर वरत रहा है वह भंडारे होर भरे रहे हैं, उत्थे लंगर गुरु का अतुट वरते। हे दाता जी ये मेहर करो, ये अरदास करनी है सारे ने, पूरा एकागर होकर करनी है, क्योंकि अपनी भी अंतम अरदास होनी है, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ आप जी के गुरु चरणों के नाल जुड़ जाओ, गुरसिखी दी महकौण ते संगत जीओ ये सारे ने अरदास करनी है। मोबाइल नूं साइलेंट कर लियो, नहीं तो फिर इदां दा हो जांदा है कि लोग अरदास विच खड़ा आपां सारे खड़दे हाँ, पूरे ध्यान नाल संगतां अरदास कर रही होंदियां ने, एक घंटी वजदी है सारे दा ध्यान खुल जांदा है। ध्यान जोड़ना गुरु के नाल महापुन है, महापुन
ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹਾਪੁੰਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਤੋੜਨਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਚਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਹਿਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚਰ ਮਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਆਗੈ ਜਮਦਲ ਬਿਖ ਮੁਕਣਾ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਰਦਾ ਰਹਿ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਗੈਨ ਕਰੀਏ। ਉੱਚਰ ਮਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਆਗੈ ਜਮ ਨਲ ਬਿਖ ਮੁਕਣਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਾਰ ਮੁਰਲੀ ਰੱਖੈ ਦੁਆਰਾ ਭੀਤਰ ਬੈਠੀ ਸਾਧਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁਰਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮੁਰਲੀ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਲ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਾਮਣ ਅਗਰ ਲੁਟੇਨ ਸੋ ਪੰਜ ਜਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਲਈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਲੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਮ ਡੰਡਾ ਕਲ ਸੰਗਲ ਪੜਿਆ ਭਾਗ ਗਏ ਸੇ ਪੰਜ ਜਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਗਏ ਨੇ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਕਰੀਏ। ਉੱਚਰ ਮਨਾ ਉੱਚਰ ਮਨਾ ਉੱਚਰ ਮਨਾ Oh,
एक बारी तजर्बा हो गया, एक बारी एक्सपीरियंस हो गया, तो हम डर नहीं, हम आनंद आ रहा। बिल्कुल इसे तरह की खेड है मौत की। पहली बार किसी ने मरना हो वाकई डर लगता है, एक बारी मरण की जा जाए ना, हम डर नहीं, हम आनंद आ रहा। कबीर जी कह रहे हैं ना, मेरा मन आनंद, मेरे मन में मौत चो आनंद महसूस होता है। तुसी खालसा पंथ की साजना का इतिहास भारी प्रकार जानते हो, मेरे पातशाह ने इस दुनिया के डर को पहला चंगी तरह भापया, विचारिया, जांचिया भी जो सब तो वड्डा डर मनुख दे जां जीव दे अंदर है ते मौत दा है, ते जेड़ा खालसा असी सजणा है उहदे विच मौत दा डर नहीं होना चाहीदा, उहदे विचों मौत दा डर कढ देना चाहीदा। उस डर नूं कढण वास्ते 1699 दी विसाखी दे वड्डे इकट्ठ दे विचों मेरे पातशाह ने सिर मंगिया। इह इतिहास है, तुसी जाणदे हो। इह गल वखरी है, इस इतिहास को रंग चाढ़द्या होया कई विद्वाना ने इस तरह भी पेश कर दिता कि पहली आवाज ते किसी ने सिर नहीं दिता, कोई नहीं उठिया, दूसरी आवाज ते भी कोई नहीं उठिया, तीसरी आवाज ते दया राम उठे। जदों सतगुरां दे हजूर आए ना, सतगुरां ने पुछिया कि भाई लड़ेगा, ते दया राम की जबान तो के शब्द कहा दिते, भी काम हमारा दोनों ककड़ी, नंगी कंध कदे नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़ी ते डर जाऊं, दुश्मन से कैसे लड़ पाऊं। इन्ना कमजोर, इन्ना डरपोक दिल भाई दया राम को सिद्ध कर दिता भी वह तो चिड़ी के खंभा के खड़ाक तो भी डर सकता है। पर याद रखना, जिस बंदे के अंदर इन्ना सहम हो ना भी चिड़ी के खंभा तो वाकई डरन वाला हो, फिर वो अपना सिर भेट करने वास्ते कदे अगे नहीं जा सकता। यह कल्पना के बहुत कुछ कह दिता। अबोल तरानी होया एक मुसलमान भी जिहड़ा सतगुरां दे इस दरबार विच चश्मदीद है, अखां नाल सारा दृश्य वेख रहा है, उहने जिहड़ा जिक्र कीता है वह यह नहीं कहता पहली दूजी आवाज की गल नहीं करता, कहता मैं अखीं वेख रहा सी ते कन्नी सुन रहा सी, सतगुरां की पहली आवाज के उत्ते सिर भेट होया, ते पहली आवाज के सिर भेट होया ते कलम होया। असी पहली थां ते तीजी आवाज ते लै गए, खैर आपां विशे ते रही गए। सतगुरां की तेग चली, एक नहीं दो तीन चार पांच सिर सिखां दे कलम होए, बहुतियां विच सहम भी फैलिया बई ना ते पहले दूजे तीजे गुरु ने कदे सिर वढ़िया सिख दा, ना किसी होर पातशाह ने वढ़िया, दसवें पातशाह सिखां नूं वढ़न लग गए। इतने सहम पै गया, बहुत डरपोक बन के पै जाना सुभाविक है, सी सब कुछ नवा सी, परचा नवा सी, कसवटी नवी सी। ये बेनती मैं तां कर रहा भी अज आप मौत के संबंध में जुड़े हैं। मेरे पातशाह ने पांच सिखा के सिर कलम किए, मोड़ के दीवन दिता, विशा से बहुत लंबा, मैं केवल मुड़ के विशे से आना। क्यों? क्यों जिस खालसा कौम की कही बुनियाद है, जिस कौम प्रधानी मर्यादा में परोया जा रहा है, जिस कौम अंतम शोहा दिखाई जा रही है, वो अंदरों मौत का डर बिल्कुल कढ़ना सी। एक बारी मरण की जाच सिखाउणी सी, मैं बेनती की है भी पहली बारी किसी ने मरना हो डर लगता है, एक बारी मरण की जाच आ गई, तजर्बा हो गया, फिर मौत विचों भी आनंद आता है। अरे सिद्ध हो गया जेड़े गुरु के सिखा नूं मौत का तजर्बा होया ना, वह मुड़ के खालसा मौत तो डरिया नहीं। भावे पंजां प्यारियां की गल करिए, उन्होंने भी शहादत पाइया, पंजां चों तिन्नां ने तां कबर तों बकौर विच पाइया,
पर अमर खालसा जिथे भी मौत ना वास्ता पैदा वाह पैदा गुरमुख प्यारे मौत को गलबकड़ी बड़े प्यार की पाँदा भाई मनी सिंह की शहादत का शहीद विलास ग्रंथ उस दृश्य जो पेश करता है भाई मनी सिंह फतवा ला दिता है भी बंद बंद कटिया जाना है सुनिया थोड़ा इतिहास मैं नवा नहीं कह रहा मैं केवल टच दिया इतिहास गल आपां ने केवल मौत की करनी है जे शरीर के आपां बंदा नूं गिणीए जोड़ा नूं गिणीए ना बंद का अर्थ हुंदा जोड़ जिथे हड्डियां का जोड़ बनता है ते शरीर के तकरीबन एक उंगल नूं कटना होवे तीन थां तों कटना पैंदा है इह तीन जोड़ बनते ने मोटियां वाले ते हुण आपां गिणती अपनी कर लैंदे हां एक हाथ दिया पंजे उंगलां कट्टण नूं गुरमुख प्यारियो 15 टोके दे वार भाई मनी सिंह दे हाथ दे होंदे सी जिस वेले दलाद पहले टक गुण ते लाउण लगदा है भाई मनी सिंह उहनूं बड़े सहज नाल कहिंदे ने वी ना भी प्यारिया काली ना करी सहज नाल आराम नाल कट मैनूं कोई मौत दा डर नहीं ते मैनूं कोई मरन दी काली भी नहीं मैनू कोई जीवन का चा भी नहीं कि सहज होगा कि टका होगा एक बारी के जलाद भी सोच लग पा होना है जिस बंदे मेरा अज वाह पिया ना नहीं तो सारे कंबदे देखे मौत के नाते और कहते वेखे भी एको टक दर्दा दे मारते मैं खत्म कर दे मैं तड़फ तड़फ के जीना पसंद नहीं करा गुरु प्यारे पर अज उल्टी खेल भाई मनी सिंह कह रहे ने भी काली ना कर आराम कर और गिनती अपनी करो एक हाथ दिया उंगलां कटदिया 15 टोके दे बार होए गुरु का प्यारा सुखमनी साहब पढ़ रहा है 16वां टक गुट ते बढ़ता है ते 17वां टक कूणी ते बढ़ता है 18वां टक गुरमुख प्यारियो मोटे ते बढ़ता है जे एक बांह कटन लग्या 18 पटासे दे बार हो सकते ने ना दूजी बांह की गिणती और पैर लत्तां की गिणती आप करके देख लो मेरी गिणती मुताबक ये बार ये टक 72 बन जाते हैं लत्तां बांहां नूं कटदा शायद तुसीं भी इन्ना ही गिणोगे इतिहास वालिया ने गिणती की है भी भाई मनी सिंह के शरीर के उत्ते 52 टक लगे हुए कारण कोई भी होगी हो सकता है पैर दंगलों उन्हें गलती कर दी हो ना तीन तीन बार किए हो 52 टोके के बार किसी बंदे के शरीर से होए हुए ने अजे भी वो जबान से सुखमनी साहब चल रहा है इतने मैं तो बेनती कर रहा है मेरा मन आनंद मौत विचों क्यों आनंद आ रहा है मौत विचों आनंद उन्होंने आता जिन्होंने मरण का तजर्बा है जिन्हों मरण की जांच है इतने जांच रखना शरीर ने केवल एक बार मरना है शरीर ने तो बार बार नहीं ना मरना शरीर ने एक बार ही मरना है पर कई बंदे की होंगे ने जिंदा मर जाते कई जमीन मर जाती है गुरदेव पातशाह ने उन्होंने बंदे मने ही नहीं गुरदेव कहते सो जीव्या जिस मन वसिया सोए नानक अवर न जीव्या सतगुरु कहते मैं उन्होंने जिंदा मानता जिन्हों की जमीर जिंदा है बाकी ज्योद्या नहीं गिने जाते जे जीव है पत नथी जाए सब हराम जेता खाए संत ज्ञानी तरबैर सिंह जी खालसा पिंडर वाले अक्सर अपनी तकरीर में शब्द वरत्या करते शरीर का मरना मैं मौत नहीं समझता शरीर की मौत न जमीर का मर जाना यकीन मौत है तुम जिंदा जमीर वाली कौम के वारस हो याद रखना जे कि सू अपना पिछोकड़ चेते रहे तुम हर वे जिंदा जमीर विखाई है जब भी कोई समा बनया कौम का नौजवान बद के अगे आया तो अज भी आ रहा दिल्ली के धरने के हालात तुम गिरे और बद जानते हो मैं तो तीन बार उ गया हालात में देखिया मीडिया भी सब कुछ आ रहा है ये सारी जिंदा दिली दशा नहीं
खैर अपना विषय ते रही है। भाई मनी सिंह दे शरीर ते टोके दे वार हो रहे हैं, गुरु का सिख सुखमनी साहब पढ़ रहे हैं। उलड़ा दीवियो कई बारी ना तुहाडा तवी दे उत्ते तवे दे उत्ते गरम दे उत्ते हाथ लग जावे ते साडी चीज उकड़ जाती है। आ कई बंदे कहते कहते डॉक्टर इंजेक्शन करते थे जी दंदा दे उत्ते जीव लैके कीस वटदे ने कि तकलीफ झल नहीं होती, तकलीफ ते तकलीफ है। पर गुरु के सिख टोके नूं भी मजाक करते ने, जरखड़िया नूं मजाक करते ने, रंबिया नूं मजाक करते ने। भाई मनी सिंह इन्हें सहज में कह रहे हैं कि काली ना कर मरा के आराम ना मरा के ज्योया भी सहज में है ते अज मरना भी सहज में है। जिस वेले 72 टक लागे चाहे 52 कहो मैं इहदे विच नहीं पवांगा। ते हुण केवल धड़ ते सिर बाकी है पर सुखमनी साहब अजे भी जागी है। जलाद ने गले दे उत्ते वार कीता अजे सुखमनी साहब संपूर्ण नहीं होया ते सिर अते तड़ जानी के शरीर दे टुकड़िया दी ढेरी लग गई है। सुखमनी साहब अजे भी जारी है। संपूर्ण कीता सब ते ऊंच ता की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख बनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत विच भी कितने आनंद छुपिया होया है। थोड़ा जिहा मैं उदाहरण के तौर पर जिक्र कर दिया साड़ी अपनी जिंदगी विचों सानू गल समझ आएगी। सहज की है, आनंद की है। जिवें साडा शरीर बड़ा फंक्शन विच होवे, गति विच होवे, काली विच होवे, इतने थोड़ा बच्चों के काम करो ताकि एकाग्रता बनी रहे, बच्चों की मान थोड़ी कंट्रोल कर। शरीर जिन्ना ज्यादा गति विच है तो शरीर थकावट तकलीफ महसूस करता है। मान लो कोई बंदा दौड़िया जा रहा है, शरीर के तंतु टुटे, सैल टुटे, थकावट महसूस हुई, उन्हें अपनी गति को थोड़ा घट किया, दौड़न की बजाय दौड़ना शुरू कर दिया, स्पीड घटा ली। जिन्नी क स्पीड घटी उसके शरीर को उन्नी क राहत मिली है। तो उन्हें की किया हुण तुरंत की बजाय खड़ गया, तो खड़ जाने में शरीर होर सहज में आ गया। हुण लत्तां दी हरकत रुक गई है, केवल लत्तां ते भार है शरीर का खड़े का, इहदे सहज विच टका विच सुख विच वाधा हो गया। कितें बैठण नूं थां मिल गई है, हुण लत्तां भी फ्री हो गई, रैसट विच हो गई, ते बैठण विच ज्यादा सुख महसूस होया। कितें लम्मा पैण नूं थां मिल गई, लम्मा पै गया, हुण जिहड़ी बैक बोन है, रीढ़ दी हड्डी है ना, उहनूं भी आराम मिल गया, उहदे सुख विच होर वाधा हो गया। कितें पए होए नूं नींद आ गई है, ते नींद शरीर दे सुखां दा सिखर हुंदा है। ध्यान देना, नींद विच जिहड़ा सुख हुंदा है ना, कई वारी बंदा कहिंदा वी प्रशादा बाद च सकांगे, ठहर के छक लवांगे, पर सौ लैण दे। क्यों? क्योंकि नींद विचों कुछ सुख महसूस हो रहा है। हुण शरीर की गति घटी, जिन्ना जिन्ना शरीर सहज बन वध्या, सुख महसूस किया, दौड़न नालों तुरन विच सुख है, तुरन नालों खड़न विच सुख है, खड़न नालों बैठन विच सुख है, बैठन नालों लंबे पैण विच सुख है, नींद विच सब तो सिखर का सुख है, यह शरीर का सुख है। इसे तरह साडा मन गुरमुख प्यारियों गति विच बहुत तेज दौड़ता है, रुकता नहीं। मेरे पातशाह कहते कब हू जीड़ा ऊब चढ़त है, कब हू जाए प्याले लोभी जीड़ा थिर न रहत है, चारी कुंडा पाले। बड़ा दौड़ता मन जागद्या, दिल विच ते दौड़दा ही दौड़दा, सुपने विच भी दौड़ी जा रहा। आखो सतनाम, सुपने विच भी टिकता नहीं, बड़ा दौड़ता। इस दौड़ दे उहदे मन नूं किते गुरु की कृपा वरते, शब्द की हो जाए, सोझी उपदेश बस जाए, हिरदे विच इह थोड़ा जिहा टिकना शुरू करता है। कदे दो चार मिनट ही टिक जाएगा, उस ते टिकेगा। टिकद्यां टिकद्यां ज्यों ज्यों मन टिकदा जाएगा, इह सहज विच आएगा, इहदी गति घटदी जाएगी। याद रखना, हिरदे विच सुख भी उन्ना ही वधदा जाएगा, उन्ना ही तका आएगा। समय
मानसिक तौर पर सुखी होगा, आत्मक तौर पर सुखी होगा। इसलिए अंदरली जी जिंदगी है ये सहज में सारे सुख छुपे हुए। कई बार बंदा सोचता है भी शरीर के सुख सब कुछ है, यही कारण है असी सारी जिंदगी शरीर के सुखों वास्ते ला दें। बद माया कमाइए तो बद सुख मिल जाएंगे, बस सारी जिंदगी इस ख्याल में साड़ी लग जाती है। इहो ही मन की अरदास का अनुरोध है, किसी एक हिरदे विचों मिट्टी के हिरदे विचों अरदास निकली व्यर्थ ही कभी ना हो गई, जबकि अरदास नानक गुरु गोबिंद का पूर्ण अरदास। इहो ही असीस है अज की संगति रूप के विच, आओ असीस देंद्या असीस लेंद्या। गुरु प्यारे धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जी के चरणा कमला पास अरदास बेनती जोधड़ी पातशाह जी आप जी का कथन है। राणा राउला कोर है रंग ना तुम फकीर, वारी अप वापनी हुए लंदा तीर, जिहा जी लिखिया तिहा हुकम कमाए कले आवै नानका, सतयुग की जय दे महाबका अनुसार पातशाह जी। दर घर दे विद्वान माता महिंदर कौर जी जितनी समासा रूपी पूंजी सौंपी आयु बख्शिश कीती उसनों भोगदा है पातशाह जी आप जी के हुक्म विच, आप जी के हुक्म अनुसार पिछले समय तो आप जी के चरणों में आ नवाजे सन पातशाह जी। सो उन्हां दी आत्मिक शांति लई उन्हां दे निमित्त उन्हां दे समूह परिवार वालों एकत्र होकर पातशाह जी उन्हां दे ग्रह विखे धुरकी बाणी आई तिन सगले चिंत मिटाई दे श्री साहिब पाठ आरंभ करवाए गए सन, जिन्हां दे भोग अमृत वेले पाए गए। उपरंत पातशाह जी आप जी की हजूरी अंदर पातशाह जी अंतम अरदासा तो पहला कल युग मैं कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिया गाए ध्यान के महामंत्र अनुसार कीर्तन होए कथा विचारा हुई गुरबाणी पढ़ी सुनी गई पातशाह जी, बाणी पढ़ी सुनी सचखंड प्रवान करनी जी। इसका फल भाव उस विछड़ी भू आत्मा माता महेंद्र को भेजना, जन्म मरण तो रहत करना, अपने चरणा च निवास बख्शन का बख्शना, आवागमन के चक्करों को बचाना, परिवार भाणा बनने का बख्शना, परिवार के सिर पर मेहर प्रयास करना पातशाह जी। आप जी की हजूरी अंदर गुरबाणी पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा विचारा करते हैं, सेवा करते हैं पातशाह जी। अनेक प्रकार दुला चुका पुतियां होंदिया जी, अणजाण बच्चे समझ जमा करनी अगर शुभ स्पष्ट गुरबाणी पढ़ने का कथा कीर्तन करने का सेवा करने का बल बख्शना पातशाह जी। आप जी की हजूरी अंदर पातशाह जी परिवार वालों अंतम अरदासा मुख रखद होया अमृतमई कड़ाह प्रसाद की देख सजाकर हाजिर की गई है जी। आप जी दर प्रवान करो, प्रवान होया प्रसाद आप जी की संगत में वर के हो सके तो आप जी का नाम जपे पातशाह जी। आई समूह संगत की हाजरी का प्रवान करनी, किया होयावा खजाने का प्रवान करनी हाँ, दरो करो नाम दान दक्षिणा पातशाह जी। संबत साहा लिखे जा मिलकर पावन तेल, देहो सज्जन असीसड़िया ज्यों होवै साहिब सो मेल पातशाह जी। समूह संगत की पातशाह जी अरदास प्रवान करते हुआ माता महेंद्र कौर जी ने अपने चरणों च निवास बख्शना, आवागमन के चक्करों को बचाना, परिवार को भाणा मनन का बल बख्शना, परिवार के सिर पर मेहर प्रयास रखना, परिवार की कीती सेवा सफली करनी पातशाह जी। इस समय आप जी करो कृपा, आई हुई समूह संगत को अमृतमई हुक्मनामा बख्श के तार्थ करो। आप जी दे दरियावे सूरा जी जावे नानक नाम, तेरे बाणे सरदार रंग ना
माया सा रखी चित महा मेरे सबो दुख गवाई जियो मैं तान दीवान तुहा मेरो स्वामी मैं तुझे आगे अरदास मैं होर थाओ नहीं जिस पा करो बिनती मेरा दुख सुख तुझे ही पास सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ महला पंजवा सतगुर आयो शरण तुहारी मिला सुख नाम सुबा चिंता लहे हमारी सतगुर आयो शरण तुहारी मिला सुख नाम हर सुबा चिंता लहे हमारी राव अबरना सुजा दूजी ठहर आर पर्यो तो लेखा छोड़ लेखा छूट हम निर्वाण हो बारी साध बख सिंध सदा मेहरबाना सपना दे आधारी नानक संत पछ परो राखल हो एह बारी साध बख सिंध सदा मेहरबाना सपना दे आधारी नानक दा संत पछ परो राख ले हो एह बारी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सरदारनी महेंद्र कौर जी दे अंतम अरदास दे विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी रसना नूं करो पवित्र बुलाओ पते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। जिहा जी ने लिखिया तेहा हुक्म कमाए कल्ले आवै नानका सदे उच जाए दे महावाग के अनुसार साडे सरकार जो बेबे जी जिन्हें अकाल पुरख ने उन्होंने सुवासा की पूंजी बख्शी होगी उसको बखूबी भोगते हुए वह परम पिता परमेश्वर की दरगाह जावर पंजाबी के बड़े मशहूर राइटर दिया लिखिया हुई लाइन उसको हमेशा के लिए अमर कर गई कि मां वर्गा कण छावा बूटा मैं किधरे नजर ना आए लैके जिसको छां उधारी रब ने स्वर्ग होना। इतिहासकार लिखते ने मुसलमानों के बीच हजरत मूसा जी होए ने जो अल्लाह पाक की अपने रहबर की एक उच्ची चोटी ते जाके माला फेरिया करते सन ते अपने प्रभु के नाल सीधिया वह गल्लां करते समा बीतता रहा
उस समा पिया ते हजरत मूसा जी की माता का इंतकाल हो गया, भाव के माता जी स्वर्गवास हो गए। और हजरत मूसा जी बड़े उदास कई दिन ना गए, तो एक दिन तुरे जाते हैं, जो पहाड़ी की चोटी से चढ़ते हैं तो उन्होंने पैर को ठेडा लगता है, वो डिग पे तो उस अल्लाह पाक ने उस परमात्मा ने अकाल पुरख ने आवाज दी, हे हजरत मूसा हुण तू ध्यान नाल चलिया कर, क्योंकि घर जिहड़ी तेरी मां भाव दूजा रब तेरी सलामती की दुआ मंगती रहती है 24 घंटे, तेरी तरक्की खुशादी लई अल्लाह दे अगे झोलियां अड़ती रहती है, हुण उह तेरी मां ने जिंदगी के 100 साल के जिथे जेठाड़ साडे इन्हां दे बजुर्गां ने तपते देखे उत्थे सौण भादरों हर दे विखे जिंदगी का एक दहाका एक सदी 100 साल साडे माता जी ने यह जिंदगी का जिहड़ा लंबा पैंडा तय किया। पाकिस्तान के विच जन्म होया, गुलामी विखी, आजादी विखी, अजाड़े विखे, वो टाइम हटाए साडे इन्हां बजुर्गां ने जदों पता नहीं सी कि अगे टिकाणा कोई मिलना है कि नहीं मिलना, खान नूं कोई नवाला मिलना है कि नहीं मिलना, किस तरह गुजर बसर हो गई। साढ़े नानके साडे सरपंच साहब उहनां दे शिकूपरे, साडियां रेहड़ियां उत्थे रिश्तेदारियां, पर साडी इस माता ने चंगे घर घराने की धी ने अपने इस परिवार नूं वधाया फलाया नहीं। जे अज उह संसार तो गए ने तां समय दा हाणी बना के बर्बाद होता है। 4 पुत्र 3 धीआं साढ़े सत्कार योग चाचा सरदार अवतार सिंह जी, सरपंच साहब सरदार संपूर्ण सिंह जी, साढ़े डायरैक्टर साहब सरदार कुलदीप सिंह जी, सरदार मनजीत सिंह जी, सरदार संपूर्ण सिंह जी साढ़े संगर के 2 बारी सरपंच रहे, सरदार कुलदीप सिंह जी साढ़े मिल्क प्लांट लुधियाणा के 2 बार डायरैक्टर चुने गए। ये पिछे साढ़े इन्हों बड़ारूह की सिक्ख्या सेहत एक किस तरह समाज के विचर, पर अज भावें रज के वह जिंदगी चीक के गए, पर कितने ना कितने साडे बजुर्गों के नाल यह जिहड़ा सभ्याचार है, साडी पुराना जिहड़े रीति रिवाज ने वह भी उन्होंने नाल अलोप होते जाते। इन्ना चंगा सुभा से साडे इन्होंने माता जी उन्हों का बड़ा मिठ बोलता सुभा से, और किस तरह उजड़ के उधरों आए, और आप भली भात सारे जानते हैं कि किस तरह मेहनत मुशक्त करके ये जायदाद बनाईया, ये महल माड़िया बनाईया, अपने परिवारों बच्चों सैट किया, अज बड़ा वड्डा परिवार हसदा वसदा परिवार छड़ के गए ने माता जी। और जिस तरह इत्थे ही नहीं पूरे जिले के अंदर साढ़े इस परिवार का मूहलियां कतारों के जिहड़ा वो जिक्र है, और साडा छोटा वीर खुशविंदर जिन्हों शिंदा छोटे नाँ के नाल आप सारे जानते हैं, वह अमेरिका के सरपंच साहब का बेटा, साडा सुखजिंदर वह भी विदेश के बैठा है, साडी धी साडी भैन कोमल वो आस्ट्रेलिया के, और जाते जाते जिस तरह माता जी ने वो औखे टाइम भी देखे, अजाड़े भी देखे, पर जो उन्होंने आखिरी सह लाए तो बड़े सुख दे, बड़ी सेवा के बाद प्रभाव रज के सेवा की, फुलों वागू रखी है, भावें बजुर्ग सी स्वर्गवासी सरदार प्यारा सिंह उन्होंने भी फुलों वागू रखी, क्योंकि गुरुआ पीर की साड़ी पवित्र धरती पंजाब की, और बधा नसीबी देखो साढ़े पंजाब के भी अनाथ आश्रम खुले, बिरध आश्रम खुले, और एक पास परिवार ने बड़ी सेवा की, गुरु की हजूरी खड़े हैं, सारे आप सिक्ख्या लैन की लोड़ है। उस सियाणिया ने कहा है जिदे घर बिरत मापे ने, दादी दादा ने, माँ प्यो ने, उहदा तीर तोथी, आपां सारे मापिया का सत्कार करिए, गुरुआं उस्तादां का सत्कार करिए। मैं देख रहा सवेर तो ही वक् वक् राजनीतिक पार्टियां दे आगू हाजरी लगा के गए ने, क्योंकि अज प्रोग्राम बहुत
ਸਾਡੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਬਿੰਦੂ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸਾ ਰੋੜੀਆ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੋ ਯੂਥ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਅਜੂਰੀ ਚਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਐਮ ਐਲ ਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਰਬੰਧ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਗਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਕੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਸਨ, ਸੰਸਕਾਰ ਸਨ, ਮਿਲਵਰਤਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਗੁਣ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਾਸ਼ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠਿਨ ਸਮਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਰਮਤ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੁਟਾਨ ਕੋਲ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਦੇਰ ਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧ ਨਸੀ ਸੜੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸੁਮੇਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।